तेज और हम इस समय हैं वाराणसी के मड़ुआडी स्टेशन पे। ऐसे में देखा जाए तो ट्रेनों को साफ सुथरा करने के लिए ये जो बैठे हुए हैं लोग, आप देख सकते हैं कि ये लोग अभी तो चार लोगों की स्थिति में हैं और ये सफाई कर्मी हैं। आइए हम बात करते हैं कि इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है 22 तारीख के बाद से। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश है। सतीश जी, लॉकडाउन हो चुका है, एक हफ्ते हो चुके हैं, तो आपको खाना भोजन कैसे? सर जी, इस समय लॉकडाउन के प्रभाव से तो हम लोग बहुत पीड़ित हो गए हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, यही सब हो रहा है। घर की स्थिति कब तक ऐसे चलती रहेगी? सरकार को कुछ करना चाहिए इसके बदले में। जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? यही सब है दिक्कत परेशानी तो है सर जी। बहुत घर से गांव से आपके फ़ोन वोन आ रहा है कि क्या कर रहे हो वहाँ पे, जब सब चीज़ बंद है, ट्रेन बंद है, तो कैसे आओगे जाओगे? ये सब घर वाले सर जी, हम लोग यहीं पर पूरे परिवार रहते हैं और हमारे घर वाले कुछ बोलते नहीं, ड्यूटी टू ड्यूटी हम लोग की आना इमरजेंसी है सर। तो क्या ट्रेनें चल रही हैं? ट्रेनें नहीं चल रही हैं सर। तो फिर आपकी ड्यूटी कैसे? सर यहाँ पर पुलिस हैं और वर्कर हैं, कोई भी है, आता जाता रहता है, छूता रहता है, इसलिए इसको साफ़ सुथरा करना हमारे अलावा और किसी को फैलेगा। कोई भी आ गया, बैठ गए यहाँ पर, तो उनको भी फैल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कोरोना के कहर से ये कह रहे हैं कि हमको सफाई के लिए लगाया गया है, कोई भी आएगा तो बैठेगा, उसको हमको साफ़ करना है। ऐसे में एक लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विकास। विकास जी, आप क्या करते हैं और इस समय कहाँ पे हैं? हम मड़ुआडी स्टेशन पर हैं, यहाँ पर सफाई वाले काम करते हैं हम लोग। जो भैया का है वो बात भी सच है, जैसे हम लोग रह रहे हैं उसी तरह काम धंधा सीधा चल रहा है, जैसे चलता है सब, सब्जी उब्जी सब कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, जन्मई कर रहे हैं आप लोग भी महंगाई के समय में। तो कैसे जीवन चलेगा, कैसे? सारे लोग परेशान हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से। बहुत लोग, सारे लोग तो परेशान तो हो गए हैं। जो सरकार के भी कुछ कहना है कि घर से बाहर मत निकलो, अपना अपने से बचाव करो, लोग दूर पाँच मीटर की दूरी से बात करो लोग से, ये भी तो कहना है सरकार की भी। तो ऐसे में ये लोग काफ़ी दुखित हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ड्यूटी करना है। ऐसे में इनके सुपरवाइज़र हैं जो उनके अधीन ये लोग काम करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो इनके बारे में क्या सुविधा रखे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि इनको कैसे रखें, कैसे खिलाएं, क्योंकि स्टेशन पे साफ सुथरा रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग, सारे लोग डरे हुए हैं। इस नाते सफाई को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। पड़ेगा आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आपके साथ चार पांच लोग हैं, तो उनको कैसे आप खिला पिला रहे हैं? हमारे साथ थे कम से कम 20 लोग, सब और लोग को खाने के लिए छुट्टी दिया गया है और इन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग को बराबर पैसा दिया जा रहा है, बराबर पैसा मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, महीने तनख्वाह मिलेगा, नहीं आएंगे फिर भी तनख्वाह मिलेगा, इन लोग कोई दिक्कत नहीं है। कल हमसे बहुत सारे लोग सफाई कर्मी मिले थे जो अपने घर को पलायन कर चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जो ठेकेदार थे वो इस समय हाथ खड़ा कर चुके हैं, तो कितना सही है? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, हमारे सरकार के पास इतना पैसा है कि जनता को एक साल बैठा खिला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार के पास। तो आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि सरकार के पास इतना पैसा है कि सरकार एक साल बैठा कर खिला सकती है, लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उस समस्या का अंबार टूटने वाला नहीं है। ऐसे में देखते रहिए आप रिपोर्टर पेज। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल शर्मा। इस समय कहाँ पे हैं और किस तरह की घटनाएं आपके साथ अभी तक घटी हैं? घटनाएं क्या साहब, 22 तारीख को आए, दिन भर स्टेशन पर रहे, दिन में तीन बार इधर से कभी कह दें इधर सड़क पर चले जाओ, सड़क वाले कहते हैं स्टेशन पर चले जाओ, स्टेशन से आते हैं तो कभी रोडवेज पे चले जाते हैं, रोडवेज वाले कहते हैं बस स्टैंड पहुँचा दो, स्टेशन पे जाओ, कभी सड़क पे पड़े रहते, कभी यहाँ पड़े रहते थे, कभी कोई भगा देता, कभी कोई भगा देता था, खाने के लिए परेशान हो जाते थे हम लोग, कहीं चाय नहीं मिल रही, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, बड़े परेशान। शाम को आते थे 7 बजे यहाँ सोने के लिए, बस सुबह 6 बजे पुलिस वाले फिर भगा देते डंडे मार के, फिर कभी सड़क पर बैठ जाते थे, सड़क पर वो कहते 100 नंबर के उधर आगे जाओ, बस स्टैंड पर चले जाते थे, बस स्टैंड पर जाते थे तो वहाँ पुलिस वाले कहते थे तुम स्टेशन पर जाओ, कहीं मतलब ठिकाना ही नहीं था सोने का, कहीं बैठने का, जो कहीं एक जगह कहीं ठिकाना हो जाए। मच्छरों ने पूरी रात परेशान करा, दिक्कत कर दी, सब इधर से उधर भागते भागते टेंशन में आने के बाद में जब जाके ये कहीं जाके गुजारा हुआ है बैठने का।
ये जो सुविधा मिली है, कैसे आपको सुविधा ये मिली यहाँ पे, जहाँ तक यहाँ पे आप? इससे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिली, और जो हमारे लोकल के यहाँ के बनारस के जो पत्रकार थे उन लोगों से मिली, बाकी पुलिस प्रशासन से मिली थोड़ी, जब जाके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आप जब से यहाँ पे फंसे हुए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत अब आ रही है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, खाना भी मिलता है दोपहर को भी, शाम को भी मिलता है, सब बातें, कोई दिक्कत नहीं, नहाने धोने की सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। जो बस स्टैंड पे आपके साथ जो घटना घटा उसके बारे में थोड़ा बताइए। बस स्टैंड पे ऐसी घटना घटी कि हम बेंच पे सो रहे थे, रात के तीन बजे तक मैंने अपना बैग देखा, मेरे पास बैग था, उसके बाद मेरी आँख पता नहीं किस समय लग गई, वो मेरा बैग सर के नीचे से निकाल के ले गए। जब मेरी आँख सुबह को खुली 5:30 बजे, तब मैंने इधर उधर देखा, मेरा बैग नहीं मिला। 2-4 से मैंने पूछा कि भाई जब मेरा बैग देखा, वो कह रहा मैंने नहीं देखा। फिर मैं पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं थी चौकी यहाँ कहीं है, तो मैं वापस ही आ गया। फिर मेरे को मालूम नहीं चला, यहाँ आया, मैंने कहा भाई साहब GRP वालों से, मैंने कहा ऐसा करो, आप अगर इधर भी नहीं रहने देते, उधर भी नहीं रहने देते, तो आप हमको बंद कर दो। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें बंद भी नहीं करेंगे, बंद भी रोड भिजवाजे करेंगे। तो अब आपको बनारस कैसा लग रहा है? नहीं, अब तो बढ़िया लग रहा है, शांति है यहाँ, बड़े आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस टेंशन यही है कि इस समय कपड़े नहीं हैं, दूसरी बात एक पैसे नहीं है अपने पास, यही फील हो रहा है मुझे सारे, क्योंकि जल्दी किसी से मांग भी नहीं सकते, शर्म सी आती है अपने को।